तो जब जीवात्मा इस भौतिक संसार में गिरता है तो उसकी इच्छाओं के अनुसार उसे शरीर प्राप्त होता है किसी को स्त्री का शरीर मिलता है किसी को पुरुष का शरीर मिलता है किसी को कुत्ते का बिल्ली का सुकर का शेर का भालू का चौरासी लाख प्रकार के शरीर हैं उन जीवात्माओं की अनंत प्रकार की इच्छाएं हैं इसलिए उन्हें अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं तो एक बार जब जीवात्मा की चेतना दूषित हो जाती है मटमैली हो जाती है तो पुनः उसे शुद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है जैसे बच्चा होता है उसे कुछ भी पता नहीं रहता उसे संसार के बारे में संसार में क्या चल रहा है उसके बारे में उसके सामने से कोई सुंदर स्त्री चली जाए, तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है एक बच्चे को लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो गलत संगति के प्रभाव में आकर उसकी चेतना जो है मटमैली हो जाती है दूषित हो जाती है पर वह चेतना उसकी बदल जाती है फिर वही बच्चा संसार को जब बड़ा हो जाता है तो अलग दृष्टि से देखने लगता है और उसकी दृष्टि में उसके मन में काम निवास करने लगता है और वह हर जगह भोग की इच्छा से लोगों को देखने लगता है यह मेरी भोग की वस्तु है तो इस चेतना को फिर से वापस प्राप्त करना जो बच्चे की चेतना थी उसको फिर से वापस प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होती है कठिनाई होती है तो इसी प्रकार जब जीव आत्मा इस संसार में फंस जाता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है तो उसे फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आने के लिए इतना आसान नहीं होता बहुत संघर्ष करना पड़ता है वो तो भक्तों की गुरु और वैष्णव की कृपा से यह संभव है नहीं तो असंभव है